नमस्कार, जार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। हम आज जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जब रॉड या फिर प्लेट पड़ी हुई होती हैं, जब ये लगाई जाती हैं हड्डी टूटने के बाद या फ्रैक्चर होने के बाद, तो हम आज जानेंगे कि सबसे पहला कि ये टूटती या फिर टेढ़ा क्यों हो जाती है। फिर हम जानेंगे कि अगर ये टूट गई है, टेढ़ा हो गई है, तो सबसे पहले हम इस पर क्या कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे इसके उपाय क्या क्या हैं। और इसके अलावा एक और चीज जानेंगे कि जब स्क्रू टेढ़ा हो जाता है या फिर टूट जाता है, तो उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल कि हम किस प्रकार से ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो रॉड या फिर प्लेट लगी हुई हो, ये टूट गई है या फिर टेढ़ी हो गई है। देखो, जब भी आपके शरीर में हड्डी टूटा हुआ है ना, रॉड या फिर प्लेट जब लगा दिया गया है, अगर आपका रॉड या फिर प्लेट टूटा है ना, तो कहीं ना कहीं इससे पहले जो आपका कंडीशन होगा ना, बेहतर होगा। जैसे रॉड या फिर प्लेट जो होगा ना, थोड़ा सा बेहतर तरीके से लगाया गया होगा, जिसके कारण आपको बहुत बेहतर फील हो रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा जैसे मेरा हड्डी जो है मतलब अच्छे से जुड़ चुका है या फिर बेहतर है, जिस कारण आप मतलब वो हाथ या फिर पैर जो होगा ना, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से काम ले रहे होगे। तो वो जो मतलब कंडीशन होगा ना, बहुत अच्छा कंडीशन, जैसे आराम से आप चल ले रहे होगे, आराम से आप हाथ अगर है तो आराम से कोई सामान उठा ले रहे होगे, तो ये सारा जो नॉर्मल जो कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा समस्या फिर धीरे धीरे आने लग जाएगा। आपका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा, या फिर पैर रखोगे तो आप रख नहीं पाओगे। हो सकता है पैर अभी मतलब हड्डी आपका जुड़ा नहीं है ना, और साथ में रोड या फिर प्लेट है वो भी टूट चुका है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हिलने उलने का भी डर हो, और सूजन वगैरह इस तरीके का समस्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं आप जाकर के जरूर से एक बार एक्सरे करवा करके देख सकते हो। हो सकता है आपका स्क्रू है वो निकल गया होगा, हो सकता है आपका रॉड प्लेट वो टेढ़ा हो गया, नहीं भी टूटा है, तो इस तरीके का कंडीशन आपका बन सकता है। अच्छा, तो रॉड या प्लेट जब टेढ़ा हो जाए, तो उस स्थिति में सबसे पहला कदम हम क्या उठा सकते हैं। देखो, अगर बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं हुआ, माइनर थोड़ा बहुत अगर है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तो उसको मतलब नॉर्मल उसको अगर इसके बाद हड्डी का जो कंडीशन है ना, हड्डी अगर मान करके चलो अब जुड़ने वाला है, या फिर बहुत ज्यादा खराब कंडीशन अगर हड्डी का नहीं है ना, तो अभी भी हम लोग संभल करके आगे ध्यान दे करके इस चीज को मतलब ज्यादा फिर से दोबारा ऑपरेशन के लिए जाने से बच सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा जोर वगैरह उस पर नहीं देंगे, नॉर्मल तरीके से हम लोग रखेंगे, और एक्सरसाइज वगैरह जो भी करेंगे ना, उसमें भी मतलब ऐसी एक्सरसाइज करेंगे ना, जैसे मान करके चलो मेरे को घुटना का मूवमेंट का जरूरत है, कहीं ना कहीं घुटना मूवमेंट का भी जरूरत पड़ता है। अगर पैर का आपका हड्डी टूटा हुआ है, अगर मूवमेंट नहीं करते हो, तो आगे जाकर के घुटना जाम या फिर मूवमेंट में मतलब समस्या इस तरीके का देखने को मिल सकता है। लेकिन उसमें उसको मूवमेंट देने के लिए आपको जो पैर है ना, उस पर जोर देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, नॉर्मली लेट करके या फिर बैठ करके आराम से आप उसको मूव कर सकते हो, तो आपका जो घुटना है वो भी मूव होता रहेगा, और साथ में जो रोड है उसमें आपको एक्स्ट्रा या फिर प्लेट है उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिससे और आगे जाकर और ज्यादा टेढ़ा या फिर टूटने का डर सब बच सकते हो। अच्छा, तो क्या इस स्थिति में हम अपना जो डेली दिनचर्या का जो काम है वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। देखो, अगर आपको समस्या नहीं हो रहा है, अगर अभी मतलब टेढ़ा वगैरह नहीं हुआ है, नॉर्मल जो दिनचर्या है ना, इसमें क्या आप टूट ही चुका है तो बहुत ज्यादा कुछ तो करने वाले हो नहीं। नॉर्मली वॉशरूम वगैरह जाना या फिर थोड़ा बहुत जो अपना काम होगा, बस इसी को ही आप कर रहे होगे, तो उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट लेकर के करो। अगर हड्डी पूरी तरीके से अभी नहीं जुड़ा है, कम से कम 50% से भी अगर ज्यादा जुड़ गया है, तो आप धीरे धीरे उस पर लोड दे सकते हो, कहीं ना कहीं मतलब जब लोड पड़ता है हड्डी पे, तो धीरे धीरे वो भी मतलब ग्रो करने का जो चांस है ना, वो भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। लेकिन वो हड्डी अगर हिलता है ना आपका, दोनों मतलब हड्डी पूरा टूट करके अलग हो चुका है, फिर वो हिलते रहेगा, बार बार घर्षण होते रहेगा ना, तो वो पकड़ भी नहीं पाएगा, क्लच बनेगा भी तो वहां पे जम नहीं पाएगा, तो उस चीज को भी आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं मतलब 50% से अगर ज्यादा जुड़ चुका है, तो थोड़ा बहुत लोड दे सकते हो, फिर अपना काम को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। अच्छा, तो इस स्थिति में कौन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं ताकि जो हमारी क्षति पहुंच गई है वो बहुत आगे ना बढ़ जाए? देखो, अगर आपकी रोड या फिर प्लेट अभी टूट चुकी है, टेढ़ी हो गई है, तो हम लोग बात कर चुके हैं कि उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन आप अभी टूट चुका है ना, तो हो सकता है आपका जो मतलब सबसे पहले तो एक्सरे करवा करके देख लो कि भाई कंडीशन क्या है। हड्डी अगर अलाइन पे है, सही जगह पे है, इधर उधर अगर नहीं गया है, तो घबराने का बात नहीं है, और थोड़ा बहुत मान करके चलो पकड़ भी लिया है, तो आगे मेडिसिन को आराम से कंटिन्यू करो जिस तरीके से चल रहा था। तो हड्डी जुड़ जाएगी एक ही बार, तो उसके बाद जो रोड या फिर प्लेट है, डायरेक्ट उसको निकाल लोगे, फिर दोबारा ऑपरेट करके दूसरी डालने की जरूरत कम से कम नहीं पड़ेगी। लेकिन हड्डी का जो लाइन है ना, जो डायरेक्शन है, वो भी मान करके चलो इधर उधर हो चुका है, फिर रोड भी इधर उधर हो गई है, कहीं ना कहीं दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर इस तरीके का समस्या है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको उसको बदलने की भी जरूरत पड़े। आप जहां से भी आप चिकित्सा कर रहे हो, जरूर उस डॉक्टर से मिलोगे, आपको सजेस्ट करेंगे, जिस तरीके से सजेस्ट करते हैं उसके बाद ही आपको जो भी काम है वो करना है। अच्छा, तो अगर रॉड या प्लेट को हटा दें, तो क्या ये कोई अच्छा समाधान हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा सही तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि मान करके चलो हड्डी अगर आपका नहीं जुड़ा है, कम से कम जैसे हम लोग बात किए 50% से भी अगर ज्यादा जुड़ चुका है आपका हड्डी, तो एक कदम हो सकता है कि उसको डायरेक्ट हटाया जा सकता है, वो भी कहीं ना कहीं आपका जो
चिकित्सक होंगे, उनके सलाह से ही वो सारी चीजों को करोगे, क्योंकि वो देख रहे होंगे आपका जो हड्डी है किस तरीके से ग्रो कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या वो रिकवर कर लेगा या फिर नहीं कर लेगा, ये सारी चीजों को देखते हुए स्वागत आपका चिकित्सक है उसका निर्णय लेंगे, और हो सके तो आप उसके बाद उस चीजों को हटा सकते हैं। और अगर मान के चलो वहां पे स्क्रू जो है वो टूट गया है या फिर वो बेंड हो गया है, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखो सब स्क्रू बेंड होता है ना तो भी काफी ज्यादा दर्द होता है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि जैसे रोड या फिर प्लेट टूट गया तो दर्द होता है, लेकिन बहुत बार देखा जाता है ऐसे पेशेंट से बात करते हुए अभी तक जो हम लोग को अंदाजा लगा हुआ है ना, रोड या फिर प्लेट टूटता है तो उतना ज्यादा दर्द नहीं होता है जितना जब आपका स्क्रू टेढ़ा हो जाता है ना या फिर टूटता है, क्योंकि जब आपका स्क्रू टेढ़ा हो जाता है ना तो उसका डायरेक्शन मतलब पूरी अलग तरीके से वो चेंज हो जाती है। जब आपका जोर देते हो तो एक बार स्क्रू नीचे जाती है, फिर जब मतलब पैर उठाते हो तो फिर वो ऊपर आती है, तो मतलब इस तरीके का मतलब कुछ बनता है, तो जिसकी वजह से स्क्रू का टेढ़ा होता है ना तो कहीं ना कहीं दर्द ज्यादा स्क्रू मतलब रोड से ज्यादा आपको स्क्रू ज्यादा दर्द देती है। और स्क्रू की वजह से ये भी देखा गया है कि जो मांसपेशी है वो तक दुखती है, लेकिन जब मरीज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो हड्डी है जहां पर फ्रैक्चर वाला इलाका है उस जगह पर दर्द हो रहा है, सामान्यतः ये अधिकतर देखा गया है। अच्छा, ये जो हमारा स्क्रू है, जो हमारा रॉड है, प्लेट है, ये टूट गया चाहे बेंड हो गया, तो क्या ये सब चीजों से बचने के लिए कोई सावधानी है कि कुछ हम ऐसा करें जिससे हम बच सकते हैं? बिल्कुल, ये सारी चीजों को लेकर के तो बहुत बार हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी आपकी प्लेट या फिर रोड डाली गई है, स्क्रू डाली गई है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर मत दो, आप जितना हो सके मतलब उसको कम करने का कोशिश करो, जब तक मतलब हड्डी आपकी पकड़ी नहीं है तब तक एकदम मतलब थोड़ा थोड़ा वेट देने का कोशिश करो जितना वो ले पाता है, और वेट के हिसाब से जैसे किसी का मान करके चलो अभी 100 kg वजन है, वो आप 10% देगा तो भी वो मतलब 10 kg दे रहा है, कोई मान करके चलो 50 kg का वो 10% देगा तो 5 kg उस पर वेट पड़ रहा है। तो ये भी चीज को आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना है, आपका वेट कितना है, आपका जो शरीर का वेट है वो कितना वो रोड या फिर प्लेट है वो झेल सकता है, तो इस हिसाब से भी अपने शरीर के हिसाब से भी आपको वेट कहीं ना कहीं देने का जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो एक सुझाव सबको यही है जो हर बार हम लोग कहते हैं कि जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी परिवर्तन अपने शरीर में अपने हड्डी पे देख रहे हो, आप हर एक चीजों के बारे में जो साझा करना है आपको अपने चिकित्सक से, जहां से भी आप सलाह ले रहे हो उनको जरूर ये चीज बताओ, और जो चीज वो आपको बताते हैं उनके निर्णय का पालन करो, उनके साथ में साथ दो। और यही सब कहते हुए हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।